हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस का टाइम काफ़ी करीब आ गया है। लगभग 20 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अभी 12th के एग्जाम के पेपर्स कंप्लीट नहीं होंगे। कुछ स्टेट के हो गए, पर अगर हम CBSE बोर्ड के देखें तो अभी भी पेपर बचे हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लास्ट 15 डेज हम मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपके 12th के पेपर खत्म होने के बाद हम देखें तो प्रैक्टिकली 15 डेज ही बचते हैं। तो ये बेसिकली ये सेशन ही मैं 15 डेज के प्लान के हिसाब से ले रहा हूँ कि लास्ट 15 डेज में हम ऐसा क्या करें जिससे जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। एंड डेफिनेटली मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इस सेशन के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर इस सेशन को आपने एंड तक सुना तो आप बहुत अच्छा जेई मेंस में लास्ट 15 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं और करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, देखिए, क्योंकि मेरे पास रेगुलर फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, आप भी देखते हैं, कमेंट्स मिलते हैं कि लास्ट 15 डेज में जो लोग लास्ट 2 या 3 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लास्ट 15 डेज में क्या करें। कई लोग बहुत क्लियर होते हैं पर ये परसेंटेज बहुत कम होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल पता होता है, इनफैक्ट ऐसा परसेंटेज होता है 5 से 10% जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है कि लास्ट 15 डेज में क्या करना है। ऑब्वियसली ये सेशन उनके लिए सुनेंगे अच्छा लगेगा, पर वो ऑलरेडी उन्हें पता है जो मैं बोलूंगा वही वो कर भी रहे होंगे। पर जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि लास्ट 15 डेज में क्या करना है, ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट ईयर कंप्लीट प्रिपरेशन की होगी, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आप में से जिन्होंने 2 ईयर प्रिपरेशन की होगी, कुछ लोगों ने 3 ईयर, पर लास्ट 15 डेज अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टडी नहीं की तो आपकी ये पूरी 1 ईयर या 2 ईयर की मेहनत बेकार जा सकती। इस सेशन का पर्पज भी यही है। अच्छा, अभी अभी एक नोटिस आया था 9 मार्च को, उसके बाद भी काफी सारे बच्चों के फोन आए, उसमें बहुत सिंपल सा वर्ड मेंशन था, IIT मेंस ने नोटिस जो डिक्लेयर किया था कि जो पेपर है, और वो एवरी ईयर ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि इस साल की बात है, कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में पेपर के डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर वन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे जो भी सिलेबस का पार्ट है, और डिफिकल्टी लेवल, मीडियम लेवल, टफ लेवल, जो सब कुछ है। जैसे मान लीजिए अगर पेपर वन में अगर सपोज डेफिनेट का एक क्वेश्चन है तो कोई दूसरा सेट होगा तो उसमें भी डेफिनेट का क्वेश्चन होगा, और ऑनलाइन होगा तो उसमें भी होगा। यानी वेटेज या किसी भी पेपर में, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ऑफलाइन भरा होता तो अच्छा होता या ऑनलाइन भरा होता तो अच्छा होता, तो मैं आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन का पर्पज यही है कि आप चाहे ऑनलाइन मोड दे रहे हैं चाहे ऑफलाइन मोड दे रहे हैं, सेट ए है या सेट बी है या सेट सी है या सेट डी है या ऑनलाइन के डिफरेंट डिफरेंट सेट हैं, सभी के पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर सब्जेक्ट का सेम होगा। यानी अगर मैथ्स के पेपर की बात करूं मैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं आपको मैथ्स से आइडिया देता चलूंगा, पर ये बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर मैथ्स में सेट ए का जो डिफिकल्ट लेवल है बिल्कुल वैसा ही सेट बी का होगा, वैसे ही सी का होगा, वैसे ही डी का होगा, और जो टॉपिक क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से बी में भी मिलेगा, उसी तरह से सी में भी मिलेगा, उसी तरह से डी में भी मिलेगा, उसी तरह से ऑनलाइन भी मिलेगा। अच्छा, ऑफलाइन वाले बच्चों का पेपर, क्योंकि 8 अप्रैल को होने वाला है और ऑफलाइन का 8 अप्रैल के बाद 1 वीक का टाइम मिलता है ऑनलाइन वालों को, तो अगर हम वैसे मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन वालों को ज्यादा एडवांटेज होता है, बिकॉज उनके पास एक फिजिकल एक्चुअल पेपर होगा सेम ईयर का, और जिस लेवल का 2008 अप्रैल का पेपर होगा बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको ऑनलाइन में मिलने वाला है। क्या चेंज होगा? तो डेटा चेंज होगा। यानी आपके पास पेपर आने के बाद आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के कितने आ सकते हैं, एरिया अंडर कर्व के कितने आएंगे, या बाइनोमियल थ्योरम के कितने आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कितने आएंगे, प्रोबेबिलिटी के कितने आएंगे। मैं जो मैथ्स में बोल रहा हूं वो हर जगह अप्लाई है, बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। इसका मतलब कि ऑनलाइन वाले बच्चों को एक एडिशनल एडवांटेज, और वो भी करीब करीब 1 वीक एक्स्ट्रा मिलना बहुत अच्छा टाइम होता है, तो ये एक एडवांटेज। दूसरा, 8 अप्रैल को जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका पेपर से आपको ऑनलाइन पेपर का लेवल भी समझ में आ जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, राइट? बट जो ऑफलाइन दे रहे हैं उसको ये सुनने के बाद ये निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी वही चीज है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अब आपके पास क्योंकि पूरा पेपर है, आप क्योंकि कंफर्टेबल हैं ऑफलाइन में, इसलिए ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन ऑफलाइन लिया होगा, तो आपको कोई इसमें कंफ्यूज होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है, ना ये सोचने की जरूरत है कि ऑनलाइन भरा होता तो अच्छा होता। इनफैक्ट आने वाले कुछ सालों बाद पेपर ऑनलाइन ही होगा, और IIT चाहता भी, IIT नहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम में बहुत जल्दी आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाले, जिससे पेपर वेस्टिंग कम हो। अब बात आती है कि लास्ट 15 डेज में क्या पढ़े। लास्ट 15 डेज एक ऐसा समय होता है जिसमें अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तो हम अपनी 1 या 2 ईयर की स्टडी का कवाड़ा कर देते हैं कई बार। तो प्लानिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले
कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। ये सेशन को मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर खत्म होने के बाद के 15 दिन, जबकि अभी एक वीक एक्स्ट्रा है, पर मैं ये मानते हुए चल रहा हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई न्यू एक्सपेरिमेंट ना हो। न्यू एक्सपेरिमेंट से क्या मीनिंग है समझिए कि अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आप अब पढ़े भी ना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, कई लोग ये करते हैं कि कोई टॉपिक सपोज कवर नहीं था या अच्छे से नहीं आता, उसे पढ़ते हैं, सोचते हैं इसे कर लें, बाकी सब तो आता है, ऐसा ना करें। न्यू एक्सपेरिमेंट खत्म। सेकंड थिंग, कोई नई बुक को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नई बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा अब बुक से नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपने साल भर खुद के सेल्फ मेड जो नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़े, उससे पढ़ने पर आपका रिविजन का स्पीड फास्ट होगा। आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे जब आप क्लास 8 या 9 में थे उसकी मैथ्स को करने में आपको उस समय 1 ईयर लगा होगा, पर अगर मैं आज बोलूं तो आप 1 डे में कर सकते हैं। तो जो नोट्स आपने बनाए उसी नोट से पढ़ें, बेटर होगा। सेकंड थिंग कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम क्या करें, सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी की बुक ही ले लें। इनऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दें, इनऑर्गेनिक के फॉर्मूले अक्सर भूल जाते हैं, और एनसीईआरटी की बुक को ही कवर करें। फिजिक्स में और मास में जो आपने यली पूरे साल भर जिस भी बुक को सॉल्व किया है उसी बुक के की फॉर्मूले करें। नेक्स्ट बात, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कम कर दें, अदरवाइज आप 15 डेज में सारे टॉपिक रिवाइज ही नहीं कर सकते। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लगभग 11, 12 के 30 टॉपिक्स फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ्स के, अगर आप ऐसे गिनेंगे तो 90 टॉपिक मिलेंगे, पर मैं इसे ऐसे नहीं गिनता, मैं इसे 30 ही मानता हूं। और हर दिन आपको लगभग 2 टॉपिक्स को कवर करना होगा, फिजिक्स के भी, 2 केमिस्ट्री के भी और 2 मैथ्स के भी, वो जब भी पॉसिबल है जब आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम कर दें। तो नंबर वन थिंग कि 1 घंटा एवरी डे 1 आवर सारे फॉर्मूले का रिवीजन करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी बुक के ओपन करें जो नोट्स आपने बनाए, ये समय है वो जो आपने साल भर पढ़ाई की है उसको रिवाइज करने का। इस समय अगर आपने कोई न्यू चीज पढ़ना चालू की तो जो आपने पढ़ा है वो भी गया और नया तो आने नहीं वाला। तो मैं स्ट्रिक्टली आप सबको ये बोलूंगा कि बिल्कुल ये टाइम है एक डिसिप्लिन पढ़ाई का। लास्ट 15 डेज आपको मिनिमम 12-15 आवर्स की स्टडी करनी है, बट कंटिन्यूस नहीं, ब्रेक में हर 2 आवर्स के बाद 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। पर इस ब्रेक में एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन, फेसबुक, इन सब को यूज नहीं करना। ये 10 मिनट का ब्रेक आंख बंद करके जो पिछले 2 घंटे में पढ़ा उसका रिवीजन करने का टाइम होगा, क्योंकि अगर हम चीजें पढ़ने के बाद उसको सेव नहीं करेंगे, जैसे कंप्यूटर में होता है सारा काम करके सेव नहीं किया तो काम जीरो, इस सेम थिंग कि जितना आपने पढ़ा उसको पहले सेव करें, उसके बाद 5 मिनट अच्छे से पानी पिए, हल्का फुल्का कुछ खाना खाएं, उसके बाद फिर अगले 2 आवर्स की स्टडी करें। यानी अगर आपने 12-15 आवर प्रिपरेशन किया, और याद रखिए आपने जो साल भर पढ़ा है उसी चीज को आपको 15 दिन में एक बार कंप्लीट करना है, तो हर 2 आवर्स के बाद आप ब्रेक लें। दूसरा, हो सकता हो तो अब से लेके 8 अप्रैल या आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं 15 अप्रैल तक मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रख दें। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन लगता आ सकता तो केवल उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ओपन करें। ये टाइम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से दूर रहने का, इंटरनेट वगैरह सबसे बिल्कुल दूर हो जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन अगर आपको लगता है वो आप देखें, उसके अलावा सारी चीजें बंद कर दें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे स्टडी सेशन से पैकेट से पढ़ रहे होंगे, आपने जो सब फाउंडेशन पढ़ा है अब आप उसका रियल यूज समझे हुए, आप IIT JEE के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्विकली कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कई बच्चों के जब मैसेज आते हैं कि सर जो क्वेश्चन 5 मिनट में होता था अब वो 15 या 20 सेकंड में होता है, तो सुन के बहुत खुशी होती, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिनिमम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, आप वो वीडियो सेशन देखो, आपको समझ में आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो JEE मेंस में 5 मिनट में होते हैं, वो आप 15 सेकंड में भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि सभी सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलूंगा जिस भी बुक से साल भर पढ़ा वही बुक लें, फिजिक्स के लिए भी वही बुक लें, और सारा टॉपिक रिवाइज नहीं करना है। हर टॉपिक का सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, फॉर्मूले, वही रिवाइज करें। मैथ्स में फॉर एग्जांपल कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, और
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉम्प्लेक्स के आपको कितने क्वेश्चन करने, तो मैं बोलूंगा हार्डली 10 से 20, अदरवाइज पर डे आप 2 टॉपिक कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं 50, 100, 200 क्वेश्चन करूं, तो आप फिर 2-3 डेज एक टॉपिक में लगा देंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इनफैक्ट लास्ट को मान लो 8 अप्रैल को आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 6 अप्रैल तक आपका सब कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट डे तो आप बिल्कुल ब्लैंक कॉपी लेके, जो आपको फॉर्मूले याद है, जो कुछ आता है, सारी बुक बंद करके आखिरी दिन तो जो आता है वो लिखने का समय। नेक्स्ट थिंग, कि जो भी टॉपिक आप रिवाइज करें उसके जेई मेंस ओनली, फिर से ध्यान रखिएगा, जेई मेंस के ही प्रीवियस ईयर के एक्चुअल पेपर सॉल्व करें, केवल जेई मेंस के एक्चुअल पेपर। कोई आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे वहां पे आपको बहुत मटेरियल मिला होगा, बहुत प्रैक्टिस पेपर दिए होंगे, पर आप उनके क्वेश्चंस बंद कर दें, क्योंकि एक्चुअल पेपर से हमें एक्चुअल आइडिया मिलता है। तो जेई मेंस के इनफैक्ट एक्चुअल पेपर भी 2002 से अगर हम 18 तक 17 तक देखें, 15 ईयर के आप 15 ईयर के नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2009 से या 2010 से 2017 तक के पेपर्स के, मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स का रिवीजन किया, तो इन 7 या 8 ईयर के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को उसी समय सॉल्व करके देखें। देन बाइनोमियल थ्योरम किया, उसी समय बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस के, पहले बाइनोमियल थ्योरम के पूरे फॉर्मूले रिवाइज करें, फॉर्मूले रिवाइज करके जेई मेंस के लास्ट 6-7 ईयर के बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करें। एक दिन में 2 टॉपिक कवर। अगले दिन का ये चीज फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री के लिए भी। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, इसलिए मैं मैथ्स के टॉपिक बोल रहा हूं, पर यही ऑर्डर आप किस में करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट डे आप गए आपने, और याद रखिएगा, आप कोशिश करें कि मैथ्स में रिवीजन आप एलजेब्रा से स्टार्ट करें, पहले पूरी एलजेब्रा करें, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल पहले ना लें, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे आखिरी वाला टॉपिक होता है। सबसे पहले आप एलजेब्रा लें, एलजेब्रा में आप सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, ये पूरा कवर करें, राइट। एलजेब्रा के बाद फिर आप जाएं ट्रिग्नोमेट्री पे, पहले ट्रिग्नोमेट्री कवर करें पूरे फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने कवर नहीं की, कुछ पोर्शन 12th का, कुछ 11th का, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको, क्योंकि एलजेब्रा का कुछ पोर्शन 11th में, कुछ 12th में, तो पहले आपने एलजेब्रा कवर किया, देन उसके बाद आप गए ट्रिग्नोमेट्री पे, कुछ पोर्शन 11th का, कुछ 12th का, 12th का जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बिना कैलकुलस नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिवाइज किया, राइट। पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने के बाद फिर कैलकुलस पे गए, आप कैलकुलस का कुछ पोर्शन 11th का, कुछ 12th का, पूरी कैलकुलस कंप्लीट की, पूरी फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, बट ट्रिग्नोमेट्री के बाद, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर मिक्स चैप्टर जो भी बचे हो वो कर लीजिए। इस ऑर्डर को फॉलो करना है, पर डे एटलीस्ट 2 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के और 2 मैथ्स के, और वो भी अपने नोट्स से करने हैं। पहले ब्लैंक पेज लीजिए, पहले जैसे सपोज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले लिखिए, क्वाड्रेटिक के बाद सपोज आप बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले लिखिए, देन 10 से 15 क्वेश्चंस ही करिए बुक के या नोट्स के, एंड देन प्रीवियस ईयर के पेपर के, जो आपको कितने, अगर 8 ईयर के पेपर करते हैं तो 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो 8 16 वो करिए। इस तरह से लगभग 3-4 आवर में आपका मैथ्स कवर। देन गो फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में भी यही 2 टॉपिक लीजिए, और इन 2 टॉपिक के साथ उनके प्रीवियस ईयर के जेई एक्चुअल क्वेश्चन करिए, बिल्कुल सेम अप्रोच केमिस्ट्री में भी अप्लाई करिए, बहुत एनर्जेटिक के साथ पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकली फिट रहना। अगले 15 दिन आप बहुत फिट रहे, बहुत फिट जब ही रह सकते हैं जब आप बाहर का कुछ ना खाएं, उल्टा पुल्टा कुछ ना खाएं, कम खाएं, अच्छी 6-7 आवर की नींद लें, बहुत जरूरी है लास्ट, क्योंकि आपने पिछले 2-3 साल में जो मेहनत की है उसका सही समय आ गया रिजल्ट देने का। दूसरा, ये सोचना छोड़ दें कि 360 में से कितने आएंगे, 360 भी आ सकते हैं, 350 भी आ सकते हैं, 340 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 250 भी, वो डिपेंड करता है आपने लास्ट 15 डेज किस ढंग से रिवीजन किया। तो नंबरों की चिंता छोड़ दें, कोई 1-2 टॉपिक छूट रहा है कोई बात नहीं, मैथ्स में कोई 1 टॉपिक छूट रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री में छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर नया ना करें। आप 300 नंबर का सिलेबस करके जाएं कोई दिक्कत नहीं, 250 का करके जाएं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेंस के कट ऑफ के लिए तो आपको 90 के आसपास स्कोर चाहिए, पर मुझे ये लगता है अगर आपने मेरी प्लानिंग के हिसाब से लास्ट 15 डेज पढ़ाई की तो आप 250-300 तक स्कोर कर सकते हैं। कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई ऐसा मटेरियल सॉल्व मत करें जो कि आपने पूरे साल भर किया। लास्ट के 15 डेज एक्चुअल पेपर का समय होता है, ना ही एडवांस के क्वेश्चंस पे फोकस करें। अगर करें भी एडवांस के क्वेश्चन पे फोकस, तो केवल सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को ही देखें, मल्टीपल वाले क्वेश्चंस को ना देखें। तो कुछ स्ट्रिक्टली आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्विक रिवीजन करना है, क्विक फॉर्मूले रिवाइज करना है, मिनिमम क्वेश्चंस को करना है, और
जेई मेंस के पॉसिबल हो तो 2002 से 17 तक के करें, नहीं है 2005 से करें, नहीं है 2010 से करें, पर एटलीस्ट 6 टू 7 ईयर के एक्चुअल क्वेश्चंस को जरूर करें, राइट। पेपर का लेवल अगर हम देखें तो ईयर बाय ईयर सिंपल होता जा रहा, आईटी टफ नहीं होता। आप जो मैंने जेई मेंस के एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैथ्स की ट्रिक बताई उनको देखो, आप खुद समझ जाओगे कोई क्वेश्चन जो 5 मिनट में हो सकता है वो आप 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। बस आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की फोर अप्रोच होना चाहिए, मेथड से करना आना चाहिए, ट्रिक से करना चाहिए, ऑप्शन से करना चाहिए, लॉजिक से करना चाहिए। क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस तरह का, जिस ढंग का क्वेश्चन है उस तरह से करें। ऑप्शन से करें तो राइट ऑप्शन ना ढूंढे, 3 रॉन्ग ढूंढे, राइट। ट्रिक से करें तो ट्रिक इतनी क्लियर होना चाहिए कि फिर वो गलत ना हो जाए, क्योंकि कई बार ट्रिक के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कई बार भूल जाते हैं, ट्रिक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। दूसरा, कम से कम पेपर में लिखें, स्टेप सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितना आप स्टेप सेविंग करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करें, राइट। और पेपर मिलते ही सबसे पहले पेपर की स्कैनिंग करने की आदत डालें, 5 मिनट इस बात को दें कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि पेपर को 4 ऑर्डर में करना चाहिए। सबसे पहले मेंटल सॉल्व वाले क्वेश्चन, फिर सिंगल स्टेप क्वेश्चन, फिर 2 स्टेप क्वेश्चन, और फिर लास्ट वाले क्वेश्चन, जो टाइम मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। ये सब जब भी कर सकते हैं आप, जब आपके पास आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप किस ऑर्डर को चलेंगे लेके, राइट। तो बिल्कुल एक एक अटेम्प्ट लेके चलें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी में यही रूल फॉलो करें। तो 5 मिनट दीजिए, कोई नए एक्सपेरिमेंट मत करिए, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर देंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो भी नया पढ़े, अगर कुछ चीज आप भूलते हैं या साल भर में आपको लगता है कि यार इस टॉपिक के अक्सर मैं फॉर्मूले भूल जाता हूं, उसके फॉर्मूले का रिवीजन सबसे पहले कर लें। आधे घंटे रोज सुबह उठ के जो प्रीवियस डे में पढ़ाई करिए उसका रिवीजन जरूर करें, और हो सकता है तो 30 मिनट की वॉक करें या कोई गेम खेलें, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जब भी बढ़ेगा जब आप थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करेंगे। कई बार ये भी होता है कि लास्ट 15 डेज में कुछ स्टूडेंट घर से बाहर ही नहीं निकलते, मैं बोलूंगा ये भी गलत है। आप 30 मिनट पॉसिबल हो तो सुबह या 15 मिनट की सुबह वॉक करें, और रात को भी खाने के बाद 15 मिनट की वॉक करें, खुली हवा में घूमें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फ्रेश रहना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। पेपर बहुत सिंपल आता है, सीबीएसई का पेपर, सीबीएसई बॉडी का पेपर रहता है, मेंस में कोई सीबीएसई वाला सिलेबस ही होता है, मेंस में क्वेश्चन टफ नहीं आते। और दूसरा, आपने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया तो ऑब्वियसली 12th का पूरा सिलेबस आपको क्लियर होता है, उसी को बस मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये एक चीज देखनी है। 11th का पोर्शन आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, ऑब्वियसली जो पास आउट स्टूडेंट है उनके पास तो पूरा साल था। इनफैक्ट जेई मेंस और 12th के एग्जाम के बाद बहुत कम टाइम मिलता, नहीं तो जो स्टूडेंट्स मेरे स्टडी पैकेज से पढ़ रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि उनको लास्ट 15 डेज यहां बुलाऊं या 10 डेज, पर प्रॉब्लम उसमें एक ही हो सकती है, बाकी कोर्सेज में तो मैं इस बार बुला रहा हूं, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम जब नई सिटी में आते हैं तो वहां पर रहना, एडजस्टमेंट करना, इन सब में टाइम निकल जाता है, और हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड है कि ये पॉसिबल नहीं कि हम नई जगह पे कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करें। इसलिए मैं आप सबको ये मैसेज दूंगा कि आप जहां पर भी हैं ये बात ध्यान रखिए, सेशन में ले इसलिए रहो, आप जहां पर भी हैं बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, और सबसे पहले दिमाग से थॉट निकाल दीजिए कि रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि आप रिजल्ट पे सोचेंगे तो आप अपने 15 दिन फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी लास्ट 15 डेज कंप्लीटली फोकस पढ़ाई होती है, हर एक चीज का प्लान होना चाहिए, बिल्कुल इस बात को दिमाग में रख के पढ़ाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने ऑनलाइन भरा हो चाहे ऑफलाइन, आप बस पॉजिटिव माइंड से दीजिए और ये दिमाग में रखिए आपको सब आता है। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे ये नहीं आता या मैं भूल गया, जैसे ही ये थॉट दिमाग में आता है हम सही में सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही थॉट होना चाहिए कि मुझे सब आता है और मैंने सब चीजें पढ़ी हैं, बस उसको रिवीजन करने की जरूरत है। आप कभी सोचिए आपको 10 साल पुरानी घटना भी याद आ जाएगी जो घटी होगी अगर आप उस पर सोचेंगे। यानी ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, वो ऐसे काम करता है कि जो चीज एक बार सुन ले, देख ले, समझ ले, वो हमेशा उसको याद रहती है। तो जो चीज आपने पिछले 1-2 साल में पढ़ी है वो सब आपके ब्रेन में है, बस उसको रिकॉल करने की जरूरत है। तो लास्ट 15 डेज इसी बात के लिए है कि आप उनको रिकॉल करें, बेस्ट करने की कोशिश करें, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। और बेस्ट का फायदा, बेस्ट जब ही कर सकते हैं जब कुछ नई चीजें बंद करके जो कुछ पढ़ा है उसको आप क्विकली रिवाइज करें, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कम करें, और प्रीवियस ईयर के एक्चुअल पेपर्स को रेगुलरली सॉल्व करें। यहां पर यही बोलना चाहूंगा, और पेपर होने के तुरंत बाद में पेपर एनालिसिस भी डालूंगा, हो सके होगा अगर आपको जरूरत लगेगी तो लास्ट वीक भी मैं आपके लिए इस तरह का सेशन लूंगा। पर अपने ब्रेन को बहुत पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रहिए, खूब पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, और 30 मिनट का रेगुलर वर्कआउट जरूर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।